Hello everyone, welcome to It's a Social, myself Shobha. Here in this video, we will be discussing about the heat zones of the earth. So, it's a chapter 2 of class 6 Geography NCERT, Globe, Latitudes and the Longitudes. And you know, to understand the topic heat zones carefully, you all must have to know about the longitudes and the latitudes of the earth. आपको जो हमारे अर्थ के अक्षांश और देशांतर रेखाएं उनके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है. गो इन दैट लिंक, वॉच द वीडियो एंड कम टू इट. सो लेट अस सी द हीट जोन्स हियर. हीट जोन्स, जैसे कि आपको पता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन्स विच आर इमेजिनरी ड्रॉन ऑन द ग्लोब. लाइन्स जो कि मूव करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स. ओके, लॉन्गिट्यूड्स. एंड द लाइन्स विच पासिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, दीज आर कॉल्ड द लैटिट्यूड्स. ओके, सो इट्स क्लियर. देयर आर ऑल ओवर 180 लैटिट्यूड्स एंड 360 लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब. And the latitudes, these are the parallel line to each other. मतलब एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं and they don't intersect each other. एक दूसरे से टच नहीं होती हैं और एक दूसरे के parallel हैं, ठीक है? So, these latitudes of the earth divided into three heat zones. इन earth के latitudes को तीन heat zones में divide किया गया. पहला torrid zone, second one is the temperate zone and the frigid zone. Okay, so all over there are three types of heat zones, which are the torrid, temperate and the frigid. Torrid zone ko hum kehte hain tropical zone also, aur hindi mein isko ushn katibandh kaha jata hai. Theek hai, kya kaha jata hai? Ushn katibandh. You know, hum kabhi kabhi english itna zyada samajhne lagte hain ki hame hindi pata hi nahi hoti hai, to hindi bhi janna zaruri hai. उष्णकटिबंध कहा जाता है टॉरिड जोन को. टेम्परेट जोन कहा जाता है शीतोष्ण को, शीतोष्ण जोन. और जो हमारी फ्रिगेट जोन होती है इसको कहा जाता है शीत, शीत जोन. ठीक है, शीत कटिबंध. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज हीट जोन्स इन डिटेल. फर्स्ट वन इज द टॉरिड जोन, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड. सो दिस हीट जोन लाइज between the topic of Cancer to the topic of Capricorn. Here, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको latitudes और longitudes के बारे में पता होना चाहिए, तो topic of Cancer कितने degree latitudes पर है और topic of Capricorn कितने degree पर है. So, अगर आपको याद हो तो जो topic of Cancer है, it is towards the north 23.5 degree. And the topic of Capricorn is towards the south, which is the 23.5 degree. ठीक है, 23.5 degree north में है हमारा topic of Cancer, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं. ठीक है, और जो हमारा topic of Capricorn है ये 23.5 degree south में है, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं. ठीक है, कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं. ठीक है, and this zone receives डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, देयरफॉर इट रिमेंस हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि ये जो हीट जोन है टॉरिड या ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज होती हैं डायरेक्टली पड़ती हैं, ठीक है, पूरी साल, इसलिए ये बहुत ज़्यादा गर्म रहती है. यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर ऑलवेज हाई रहता है. यू नो, अफ्रीका इज अ कंट्री जहाँ पर जो इक्वेटर है वो अफ्रीका को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. ठीक है, तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा, वो अफ्रीका में ही पाया जाता है. ठीक है, एंड यू नो द हीट जोन, द टॉरिड जोन, इट आल्सो रिसीव्स द प्लेंटी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर एंड द टेम्परेचर स्टेज रिलेटिवली यूनिफॉर्म फ्रॉम डे टू नाइट. ठीक है, यहाँ पर पूरी साल बारिश होती रहती है, इसलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. वो फॉरेस्ट जहाँ पर थ्रू आउट रेनफॉल होती रहती है, पूरी साल रेनफॉल होती है,
उस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं, जो कि टॉरिड जोन में पाए जाते हैं। एंड यू नो द लाइन द टॉपिक ऑफ कैंसर, इट डिवाइड्स इंडिया इंटू टू इक्वल हाफ्स, ये हमारे इंडिया को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। तो जो हमारा साउथ इंडिया है जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे में आता है, मतलब टॉरिड जोन में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ इंडिया में गर्मी ज़्यादा होती है और हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्दी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आर्कटिक सर्कल के टुवर्ड्स में है। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आप थोड़ा सोचिए और आंसर करिएगा। इज इंडिया कम्प्लीटली लाइज इन द टॉरिड जोन, क्या हमारे जो भारत है वो पूरी तरह से टॉरिड जोन में पाया जाता है? जबकि मैं हिंट दे रही हूँ आपको, जो कर्क रेखा है वो हमारे इंडिया को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स, ओके, और जो हमारी टॉरिड जोन है इट लाइज बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर टू कैप्रिकॉर्न, ओके। तो आंसर मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आता है, अदरवाइज आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट इज द टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन जिसको हम शीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं, कौन सा, शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है, ठीक है। दिस लाइज बिटवीन द टॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्कल इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। जो हमारी अर्थ है उसमें टॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक ये वाला जोन, और साउथ में टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक, उसके बीच में पाई जाती है टेम्परेट जोन, ठीक है। आर्कटिक सर्कल कितने डिग्री लैटिट्यूड्स पर है? इट्स ऑन 66.5 degree नॉर्थ, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। सो टेम्परेट जोन कहाँ पाई जाती है? टॉपिक ऑफ कैंसर से, मतलब कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल के बीच में, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल, जो कि हमारा सदर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, ओके। दिस टू जोन्स रिसीव्स स्लैंटेड रेज ऑफ द सन विच आर लेस हॉट, क्योंकि टेम्परेट जोन में सन की रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट नहीं पड़ती, स्लैंटेड तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस जोन एंड द ट्रीज ऑल्सो लाइक पाइन फर एंड स्प्रूस आर फाउंड इन द टेम्परेट जोन, ठीक है। अब जो टेम्परेट जोन का रीज़न है कि यहाँ पर गर्मी क्यों होती है वो मैं अभी लास्ट में बताऊँगी, तब तक पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं फ्रिगेट जोन को। वट इज़ अ फ्रिगेट जोन, फ्रिगेट जोन क्या होती है? सो दिस जोन लाइज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एंड द अंटार्कटिक सर्कल। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है उससे टॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक के बीच तक पाई जाती है हमारी टेम्परेट जोन, वैसे ही टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक के बीच में पाई जाती है टेम्परेट जोन, ठीक है। बाकी जो हमारा नॉर्थ पोल का हिस्सा बचा है, ठीक है, टॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल से नदर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ पोल तक और अंटार्कटिक सर्कल से सदर्न पोल तक, ठीक है, इसके बीच में पाई जाती है फ्रिगेट जोन। फ्रिगेट का मतलब ये होता है द कोल्डेस्ट, फ्रिगेट मीन्स होता है जमा हुआ, जैसे आप देखते हो फ्रिज के अंदर सारी चीज़ें जमी हुई होती हैं। एंड दिस पोलर रीजन रिसीव्स द मिनिमम सोलर एनर्जी सो इट इज़ द कोल्डेस्ट, क्योंकि यहाँ पर सन रेज होती हैं बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं, इसलिए ये फ्रिगेट जोन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो हीट जोन्स होती हैं वो वेरी कैसे होती हैं। पहला तो आप यहाँ देखिए जो इक्वेटर है, जो मिड लाइन है हमारी अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। अब इसको आप देखिए, ये जो अफ्रीका है इसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कौन सी लाइन? इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर अफ्रीका को डिवाइड कर रही है टू इक्वल हाफ्स में, ओके। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर थार डेजर्ट भी है। उसके बाद टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो टॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में पाई जाती है हमारी टॉरिड जोन, ठीक है।
उसके बाद टॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल के बीच में पाई जाती है टेम्परेट, वैसे ही टॉपिक ऑफ कैपिकॉन से अंटार्कटिक के बीच में टेम्परेट पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। ठीक है, बाकी जो हमारा साउथ पोल बचा है यहाँ पर पाई जाती है फ्रिगिड जोन, जो कि ऑलवेज फ्रोजन रहती है, हमेशा जमी हुई रहती है। अब हम इसको शॉर्टली समझ सकते हैं, जैसे कि आप एक फ्लैश लीजिए, आप एक टॉर्च लीजिए, उसको एक बॉल पर डालिए, आप देखेंगे कि जो टॉर्च की फ्लैश जा रही है वो जो सामने वाला पोर्शन होगा बॉल पर, वहाँ पर ज़्यादा ब्राइट होगा, वहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही होंगी जो लाइट है वो स्ट्रेट पड़ रहा होगा, फ्लैश स्ट्रेट पड़ रहा होगा, तो वो ज़्यादा ब्राइटर पार्ट होगा। बट जैसे जैसे हम कॉर्नर्स की तरफ जाएंगे वो जो ब्राइटनेस है वो कम होती चली जाएगी। अगर आप एक कैंडल हो, कैंडल के ऊपर आप अपना हैंड सामने से लाकर देखो, आप महसूस करोगे हीट जो है सामने वाले पोर्शन में ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप अपने हैंड को साइड में लेकर जाओगे, वैसे वैसे जो हमारी जो हमको हीट महसूस हो रही थी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी जैसे जैसे हम साइड में जाते जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जो हमारी अर्थ का सेंटर पोर्शन है, जो हमारा इक्वेटर है, इट ऑलवेज रिमेंस इन फ्रंट ऑफ द सनरेज। सनरेज जो होती हैं ऑलवेज स्ट्रेट पड़ती हैं इक्वेटर पर, बट धीरे धीरे जैसे हम अर्थ के साइड में जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, वहाँ पर धीरे धीरे वहाँ पर लाइट जो होती है वो कम होती चली जाती है, और सन हीट से एनर्जी जनरेट होती है, सन हीट से एक गर्मी पैदा होती है, एक हीट पैदा होती है जो कि इक्वेटर पर स्ट्रेट पड़ने के कारण ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम साइड में जाएंगे वहाँ पर सनरेज कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी अर्थ पर तीन हीट जोन पाई जाती हैं, जो कि हैं टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिगिड जोन। ओके, इनका अलग अलग इन्फ्लुएंस होता है, इन हीट जोन्स के कारण ही जो रेनफॉल है वो वैरी होती है। ठीक है, रेनफॉल में डिफरेंस होता है, उसके अलावा जो हमारा वेजिटेशन है वो अलग होता है, लाइफस्टाइल लोगों की अलग होती है, क्योंकि अब जैसे थार डेजर्ट है या सारा डेजर्ट है, रेनफॉल नहीं है तो फिर लाइफस्टाइल भी ऐसी होगी, लाइफस्टाइल भी अच्छी नहीं होगी। सो आई होप आपको तीनों हीट जोन समझ में आई, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिगिड जोन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं वो वीडियो। ओके, एंड थैंक यू टू वॉचिंग इट।